हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का किचन फॉर बैचलर के एक और एपिसोड में। और आज हम कच्चे केले का कोफ्ता बनाएंगे। लॉकडाउन का माहौल है और सब्जियों का मिलना बहुत ही मुश्किल है, जैसा कि आपको पता है। तो घर में जो भी अवेलेबल सब्जी है उसी से कुछ स्वादिष्ट बनाया जाए। केले को पहले हम काट लेंगे। इस तरीके से बराबर के साइज़ में कट कर लीजिए। और अब हम इसे बॉईल करेंगे। कच्चे केले को हम बॉईल करेंगे और बॉईल करने के लिए कुकर में आप 2 कप पानी डाल दीजिए। तो केला जो है पूरा बॉईल हो चुका है। अब इसे हम छील लेंगे और अलग कर लेंगे। देखिए, बॉयल होने के बाद ही आराम से छीला जा सकता है। केले के छिलके को जो हमने अलग किया है, इससे हम एक और रेसिपी तैयार करेंगे और आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो कीप वॉचिंग किचन फॉर बैचलर। कोफ्ता बनाने के लिए बॉयल्ड केले को इस तरह एक बाउल में ले लेंगे और ऐड करेंगे हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, चॉप्ड अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च और लास्ट में नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट करें। केले का इस तरीके का पेस्ट बनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप बेसन और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देख सकते हैं बेसन और कॉर्नफ्लावर पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलिए अब कोफ्ता फ्राई का किया। कढ़ाई को अच्छे से हीट करेंगे और रिफाइन ऑयल कोफ्ता फ्राई करने के लिए। हाथों से चेक कर लीजिए तेल गर्म हुआ है कि नहीं। जब तेल पूरी तरह गर्म हो जाए तब हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। कोफ्ता हमारे इस तरीके से पेस्ट जो है वो रेडी है। चलिए कोफ्ता फ्राई स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे डो बना के तेल पे छोड़ दीजिए। कोफ्ते को जो आप धीमी आंच में हल्के हल्के फ्राई करें और चेक करते रहें बीच बीच में ताकि ये जले ना। गोल्डन ब्राउन होते ही इसे पलट दें। 4 से लेके 5 मिनट इसे फ्राई करें और ये पूरी तरह तैयार हो चुका होगा। कोफ्ता पूरी तरह बन के तैयार है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे अलग कर लेंगे। ये देखिए पूरी तरह गोल्डन ब्राउन फ्राई कर चुके हैं, पक चुका है। और अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए हम लेंगे 2 कटी हुई मिर्च, हरी मिर्च, 2 टमाटर, 2 टीस्पून भुना हुआ मूंगफली। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ग्राइंड करेंगे। कोफ्ते की ग्रेवी के लिए पेस्ट पूरी तरह तैयार है जिसमें हमने टमाटर, हरी मिर्च और मूंगफली डाली थी। देखिए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। गरम तेल पे हम साबुत जीरा, मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पहले लाल मिर्च, हल्दी,
और जीरा पाउडर। मसालों को अच्छे से भून लेंगे। जो पेस्ट हमने तैयार किया था ग्रेवी के लिए अब उसे ऐड करेंगे। मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, फ्राई करें इसे। हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए। कसूरी मेथी क्रश करके मिक्स कर दीजिए। ग्रेवी उबलना स्टार्ट हो चुका है और पक चुका है अच्छे से, तो अब हम कोफ्ते ऐड करेंगे। करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कोफ्ता पूरी तरह बनके तैयार है। अब हम इसमें लास्ट में एक चम्मच घी ऐड कर देंगे। गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता लास्ट में दे दीजिए। तो गाइज आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो जितना हो सके इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।